जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप तो बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे जैसे कि हम। तो शाम के ना 4:30 बज रहे हैं और अम्मा जी भी आ गई, बर्तन धुल रही हैं। हम भाभी और छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे मौसम का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हो रही है बारिश। और आज ना बहुत ही अच्छा मौसम था, पूरा दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है और सामने देख सकते हैं ना कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है। वैसे ग्रीन कलर तो हमको बहुत पसंद है, बट इस बार ना हम सूट साड़ी कुछ भी नहीं ले गए थे, ग्रीन कलर का भूल गए थे। ये कोई बात नहीं है, ग्रीन मौसम ही देख करके हम खुश हो रहे हैं। और दीदी तल रही हैं इधर काजू और बादाम और मखाना वगैरह पंडित जी लोगों के लिए सुबह का नाश्ता। और हमारी बहनों ने ना, किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप भाइयों में कौन से नंबर की हैं, तो हम वैसे भाइयों में ना, बहनें तो दीदी हमारी ना तो तीसरे नंबर वाली भाई से छोटी हैं और हम जो बिट्टू के पापा हैं ना उनसे छोटे हैं। तो वैसे भी हमारे से ना छोटे रानी सबसे छोटी है, हमसे तीन भाई छोटे हैं, यानी खुशी के पापा राम जी और लखन जी रानी हमसे बहुत ही छोटे हैं। पर आप लोगों ने कहा कि दीदी आप सबको भैया बोलते हो, तो होता है ना कुछ आदत सी पड़ गई है ऐसे राम जी लखन जी भैया बोलने की। और सुबह के 8:30 बज रहे हैं, भाभी जी हमारी लग गई हैं किचन में, आलू परवर की सब्जी बना रही हैं, घुइयाँ भी बॉयल हो गई हैं, तो दीदी और वंदना छील रही हैं। और रात भर ना बारिश हुई थी तो थोड़ी सी हमने सोचा झाड़ू लगा लेते हैं, और झाड़ू लगाने के बाद हम भी इन लोगों के साथ कुछ काम करा लेते हैं। और आज ना हमने नहा लिया था, मूर्ति बनाने वाला काम हमारा थोड़ा कम था, थोड़ी ही मूर्ति बना करके आज पूजा हुई थी, इसलिए पूजा पाठ आज आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर सब्जी हमारी भाभी भूंज रही हैं। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी रानी दीदी नहीं पहुँची थी क्या, तो रानी दीदी आई थी जिस दिन हवन था, वो वीडियो अभी आप लोगों को तक हम नहीं शेयर किए हैं। और आज ना हमारी भी जाने की तैयारी हो रही, क्योंकि इनका भी फोन आ रहा, बच्चों का आ रहा है कि एक हफ्ते हो गए माँ आओगे नहीं क्या, और त्यौहार भी है। तो भाभी लोग बोली गुड़िया कर लो, कजलिया कर लो, रक्षाबंधन कर लो, तो इतने समय तक कहाँ रुक सकते हैं। तो हमने भाभी जी से कहा, हमने कहा छोटी गुड़िया यहाँ कर लेते हैं, बड़ी गुड़िया लखनऊ में जाके करेंगे। और देवरानी जेठानी ना इतना चिपक के रो रही हैं, क्योंकि होता है ना हफ्ता 10 दिन सभी लोग रुक गए थे, तो ये आने जाने में होता ही है ना कि आंसू रुकते ही नहीं हैं सभी के, मतलब इतना प्यार हो जाता है। और यहाँ पर पंडित जी सबको हंसा रहे हैं, जो पंडित जी पूजा करवाते थे हमसे बोल रहे हैं बिटिया पूरी वीडियो डालना जितनी शूट की हो। हमने कहा बिल्कुल डालेंगे, और वहाँ पर फ़ोटो भी थोड़ी बहुत इन लोगों ने खिंचवा लिया। इसके बाद निकल लिए हैं हमारे, यानी दादू भैया बिट्टू के पापा ही लेकर के जा रहे हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे बिट्टू के यहाँ। तो हम लोग आ गए, अब देखते हैं आंचल बहू यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आंचल बहू भी तैयारी में लग रहे हैं, क्योंकि आज ही रात में इन लोगों को जाना था वैष्णो देवी, तो सब अपनी तैयारी कर रही हैं। और भाभी जी को ना 5-6 दिन बाद जाना के यहाँ हम लोगों ने मिल लिया, बिट्टू तो है नहीं, आंचल बहू से मिल लिए, रुद्रांश हेलो कर रहे हैं, हेलो गाइस। तो ये टाइम ना 12:30-1 बज रहे हैं, और हम और रानी दीदी सभी लोग, भाभी भी यानी बिट्टू की मम्मी, हम लोग चल रहे हैं मार्केट। और हम सोच रहे हैं ना पास में आ रहा है रक्षाबंधन, पता नहीं रक्षाबंधन तक आ पाते हैं कि नहीं आ पाते, तो मार्केट से राखी भी लेकर के भैया लोगों को दे देते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम ज्योति प्रीति के मकान के पास, इसके बाद हम थोड़ी सी जाएंगे प्राची के यहाँ, क्योंकि प्राची की ना छोटी वाली भाभी 2-3 दिन से इतना बुला रहे, बुआ आइएगा। भाभी मार्केट चलेंगी? भैया भाभी मार्केट नहीं जा रहे, और आज ना मतलब 2-3 दिन से ये सब लोगों की ना वैष्णो माता जाने की तैयारी, शाम के ना आंचल बहू और सपना बहू सभी लोग जा रहे हैं वैष्णो माता, माता रानी ने इनको कितनी जल्दी बुला लिया दर्शन के लिए, तो वही सब तैयारी में लगी हुई है इसीलिए लोग। अब हम आ गए प्राची के यहाँ, और प्राची के भैया लोग ना तो करवा रहे हैं भंडारा, यानी हमारे भतीजे मयंक द्विवेदी, जय विजय सभी लोग। और ये सावन के महीने में ना तो साल में हमेशा ऐसा ही भंडारा होता है, पूरा 3-4 दिन भंडारा रहता है, जितने यात्री चित्रकूट जाने वाले होते हैं ना तो सब लोग खाते भी हैं और ले भी जाते हैं। और ये है मयंक द्विवेदी, यानी जो पीले कुर्ते में थे ना, और दिव्य भंडारा है, 24 घंटा चलता है, देखते कितना बड़ा कड़ाहा, कितनी सब्जी, 6-7 लोग
ऐसे सब्जी काट रहे हैं, 10-15-20 लोग पूड़ियाँ बेल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि यही भंडारे की पूड़ी हम भी लेके जाएंगे। अब हम चल रहे हैं, भाभी लोगों से मिल रहे हैं और भाभी नए छोटे वाले बाबू को यहाँ लिए खड़ी हुई हैं बाहर ही, इसको भी हवा खिला रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है। तो हम भाभी से कह रहे हैं हमको दे दीजिए, कितना अच्छा लग रहा है। भाभी कह रहे हैं काफ़ी समय से रो रहा है, तो यहाँ भी उसको फीवर आ गया था गोरी मैम को, हम तो इसको गोरी मैम ही बोलते हैं। हम कह रहे हैं भाभी हमको दे दीजिए। वंदना बोल रही थी कि बुआ हमको भी मार्केट जाना है, तो हमने सोचा वंदना को भी ले लेते हैं, लेकिन वंदना कहने लगी कि बुआ इसको फीवर आ गया है, मम्मी अकेले परेशान हो जाएंगी और वो बड़ी वाली बहू भी अभी ज़्यादा नहीं कर पाती है कुछ काम। तो हमने सोचा आप भाभी रहने दीजिए, ना आप जाइए ना वंदना जाए। कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट क्यूट से देखिए, बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसा लगता है ना। हम सोच रहे हैं इसको हम ले करके लखनऊ ही चले जाएँ, भाभी से बोल रहे हैं कि भाभी इसको दे दीजिए, तो भाभी कह रहे इसकी मम्मी से पूछिए ले जाइए ना। छोटा बाबू कैसे केहू केहू रो रहा है, ये अपने मम्मी को ही खोज खबर कर रहा है। कैसी है सालनी तबीयत? अभी आराम करो, झुको नहीं बिल्कुल, अभी मत पैर छुओ यार, रहने दो, जब ठीक हो जाना तब। अपने मम्मी भी खोज खबर कर रहा है। बाबू क्या है, मम्मी के जाना है, कितना छोटा सा, कितना प्यारा लग रहा है। सालनी इसको हमें दे दो, हम ले जाए, हम ले जाएंगे, हम इसको पाल लेंगे। दीदी खड़ी क्या नीचे, मिलने मिलाने में रह गए ना, और दीदी भाभी निकल गई मार्केट, तो हम लोग भी जा रहे हैं, देखो मिलती है और ये दर्शन करने, कांतानाथ भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा कितनी भीड़ है, इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि जाओगे ना तो परेशान हो जाओगे, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। रानी ग्रीन साड़ी नहीं पहने और ग्रीन चूड़ियाँ नहीं डाले हो, कंट्रास्ट डाली। अच्छा, सभी लोग ना भंडारे में बिजी है ना भैया लोग, इसीलिए हमने सोचा ही रिक्शे से ही निकल जाते हैं। अब हम लोग साड़ियों के शॉप में बैठ गए हैं और आप लोग भी देखिए रंग बिरंगी साड़ियां हैं। वैसे त्यौहार की वजह से ना इस बार अच्छी साड़ी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा हम लोगों को पसंद नहीं आ रही, फिर भी थोड़ी बहुत खोज खबर कर रहे हैं कि कुछ साड़ी अच्छी मिल जाए। और बहू ने मंगवाया था, सालनी बहू उसके ना पूजा पाठ में लगनी थी, जैसे कि छोटा बाबू है ना तो हरछट आ रहे, बहुत से ऐसे त्यौहार आ रहे हैं, तो रानी यहाँ पे पसंद कर रही हैं और रानी से ही कह दी थी कि रानी बुआ लेती आइएगा, आपकी पसंद अच्छी है। और हम भी एक दो साड़ियाँ लिए, भाभी और दीदी काफ़ी साड़ी ली हैं, छोटे बाबू के कपड़े देख रहे थे लेकिन ठीक नहीं है, तो अब यहाँ से हम नहीं लेंगे, अब निकल रहे हैं। अभी आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, जब लखनऊ पहुँच जाएंगे तभी दिखाएंगे। ये देखिए 3-4 बैग रखे हुए हैं, बारिश भी होने लगी थी ना, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल लिए हैं। और उस बार ना दीदी और भाभी खो गई थी, इस बार मिल गई है। हम लोग साड़ी के सिवा कुछ भी नहीं शॉपिंग किए, एक ही जगह हम लोग बैठे रह गए करीब 2-2.5-3 घंटे हम लोग साड़ियों की शॉपिंग चली है, देखते देखते इतना टाइम है ना, हमें टाइम ना। हम फिर से बिट्टू के यहाँ आ गए, तो यहाँ आंचल बहू बना रही पूड़ी, अपनी पैकिंग कर रही हैं, और दादू भैया हमसे कह रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ उज्जैन चलो। भैया भाभी बिट्टू से मिलने उज्जैन जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग आ गए फिर भाभी के यहाँ, हम लोग यहाँ से जा रहे थे प्राची के यहाँ, तो भाभी ने आवाज़ सुना तो करे कहाँ चुपके चुपके निकली जा रही हो, हमको भी साड़ियाँ दिखाओ, सब रंग बिरंगी साड़ी कैसे लाए हुए यहाँ पर जो साड़ी। भाभी ने हमारी साड़ी की बहुत शौकीन है ना, तो हमने कहा दिखा देते हैं भाभी को भी। सपना बहू जा रहे वैष्णो माता के दर्शन करने, और ये छोटा सा बाबू ना हमारी भाभी के पास रहेगा, दादी के पास रुकोगे? भाभी ये अपनी मम्मी से ज्यादा आपको प्यार करता है। इस समय ना बारिश का टाइम है, ये ना परेशान हो जाता है, इसीलिए क्या है, क्या है, आपको मम्मा नहीं ले जा रही, आप हर जगह से यहाँ पैकिंग ही पैकिंग है, कोई कह रहा है कुछ लेते जाओ, कोई कह रहा है कुछ लेते जाओ, और अभी तो भाभी सब लेकर के गए हैं, जब शादी से गए हैं ना, मेन राखी के लिए मार्केट गए थे, लेकिन इस समय भी राखी आई ही नहीं है। और इस बार ना यानी प्रीति की मम्मी रानी के लिए देखिए कितनी सुंदर सी साड़ी दी, उस बार इसको नहीं दे पाई थी ना जिस समय हम लोग शादी के बाद गए थे, और कितनी सुंदर कितनी सॉफ्ट साड़ी है। तो साड़ियों में ना यहाँ पर बल्ले बल्ले चल रही है,
इतनी सारी शॉपिंग हो गई साड़ियों की, ये नहीं तो बस हम लोग निकल रहे हैं उधर से ना बंदना के फोन के ऊपर फोन आ रहे करे बुआ कहाँ है जल्दी आइए, और भंडारे का जो प्रसाद है ना वो सब पैक किए हुए रखे हुए, तो हमने कहा बस आ रहे हैं 5 मिनट वहाँ रुकेंगे। तो ये होता है ना भाभी लोग ना करे अभी मत जाओ रक्षा बंधन तक रुक जाओ, बताओ इतने समय तक कहाँ रुक सकते हैं बच्चों को छोड़ करके। अच्छा करके पूरी सब्जी सब पैक हो गया है, और बड़ी वाली बहू ना हमको क्या खिला रही है देख सकते हैं, सौंठ गरी के लड्डू कतरी जो बनाई है ना मेवे वाली, हमारे यहाँ सभी बहुत खाया जाता है ना 2-3 महीने लगातार जब बच्चा हो जाता है इसके बाद खाया जाता है, और ये ना बहुत ही कमज़ोर हो गई इसीलिए ना आप लोगों को नहीं दिखा रहे अभी, जब रुष्ट पुष्ट हो जाओगी ना साली तभी दिखाएंगे, जल्दी अपने रुष्ट पुष्ट हो जाओ क्योंकि ना अभी ज़्यादा समय नहीं हुए ना, अभी बच्चा भी बहुत छोटा है ना, आप लोगों ने तो देख लिया ना छोटे बाबू को, भाभी से कह रहे हैं कि आप भी भाभी लखनऊ चलिए चलिए ना भाभी बारिश, एक लोग नीचे मिली तो कह रहे बिटिया पानी लेकर के आई हो, हमने कहा हम पानी लेकर के नहीं आए 2-3 दिन से बारिश हो रही है। बंदना बहू ने बना दिया हमारे लिए चाय, करे बुआ थोड़ी सी आप चाय पी लीजिए, आपने 10 दिन बहुत ही मेहनत किया है और आज भी आपकी मतलब थकावट आपके चेहरे से नज़र आ रही है, और चाय पीने से ना थोड़ी बहुत आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी, तो हमने कहा कोई बात नहीं भोलेनाथ की कृपा है, वैसे भी ना आने जाने में ना जब खाने पीने की कोई इच्छा नहीं होती, इतनी हमको अंदर से घबराहट हो रही थी, इतना रोना आ रहा था कि आज हम जा रहे हैं पूरे 9-10 दिन यहाँ पर रुके रहें, और भाभी ने ना दाल वगैरह सब पैक कर दिया है, अरहर की दाल है अचार वगैरह पूरी सब्जी सब भाभी ने पैक कर दिया यानी प्राची की मम्मी, और होता है ना हमारी भाभी लोग भी ना सब बहुत अच्छी हैं, जब जाते हैं ना तो पूरी गाड़ी फुल हो जाती है, अभी इतनी जल्दी जल्दी पी लिए अब निकल रहे भाभी हम भाभी से कह रहे हैं कि रोइएगा नहीं हमको हंसते हंसते विदा करिए, हम फिर से जल्दी रक्षाबंधन में आएंगे, तो भाभी कह रहे हैं ज़रूर आइएगा वादा कर रहे हैं तो पूरा करिएगा, तो हमने कहा देखिए शादी के बाद तुरंत पूजा पाठ में आएँ कि नहीं आएँ, अब हम आ गए हैं खुशी के यहाँ जहाँ पर हो रही थी पूजा, तो गुड़िया भाभी बहुत रो रही नेहा भी बहुत रो रही है, और हम भाभी को समझा रहे हैं कि रोइए नहीं ससुराल तो जाना ही है ना, तो होता है ना जब ज़्यादा दिन तक रुक जाओ ना 10-15 दिन तो यही सब होता है, और बहुत सी यादें होती है मायके की भी, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं हमारे जीजा जी भी हमारे साथ साथ विदा विदाई करा रहे हैं यानी रुचि के पापा, तो रानी के साथ ही हम जा रहे हैं और परी के पापा आए हुए हैं, टाइम ना 6:30 या 7 बजने वाले हैं, और भाभी लोग सब रोक रहे हैं कि रात में मत जाइए बारिश का मतलब बारिश के महीने चल रहे हैं, तो वहाँ परी को रानी छोड़ करके आई थी ना तो वो भी अकेले परेशान थी, और रानी को अभी आप वो वीडियो नहीं शेयर किए हैं जिसमें रानी आई थी यानी हवन वाले दिन ही रानी आई थी, और हमारी बहनें बहुत परेशान हो गई थी कि रानी नहीं आई क्या, तो हम हवन कुंड के प्रणाम कर लेते हैं और अपनी यूट्यूब फैमिली ससुराल वाली फैमिली मायके वाली फैमिली सब भोले बाबा से सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भोले बाबा सबको खुश रखना खुशहाल रखना, कर भला तो हो भला, अपना हमारा तो करना है लेकिन हमारे पीछे सबको खुश रखना, तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी प्राची के पापा का फार्म हाउस कहाँ है, तो यहीं बिल्कुल पास में ही है, जैसे कि ये राम जी भैया का मकान है लखन जी भैया का मकान है और ऐसे ही लगा हुआ प्राची के पापा का फार्म हाउस है, इस बार तो पूरा हम नहीं घूम पाए क्योंकि मूर्ति पूजा में ही पूरा टाइम हो जाता था बिल्कुल नहीं निकल पाते थे, अब हम लोग आगे अतर्रा से ही निकल रहे हैं जहाँ पर यानी भंडारा हो रहा था, तो अभी भी देखिए शाम हो गई लेकिन फिर भी कितनी भीड़ है, भंडारा शुरू है और आगे हम ज़्यादा कुछ भी नहीं वीडियो शूट किए हैं, पूरे रास्ते में ना ऐसे ही बस मायके की यादें थीं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोगों के ना हम बहनों के जीवन में ना यही है, मायका भी प्यारा रहता है ससुराल भी प्यारा रहता है, बट होता है ना मायका 4 दिन का होता है और ससुराल जब तक अपनी जिंदगी रहती तब तक ससुराल में बच्चे पति परिवार सास ससुर सभी प्यारे होते हैं, अब ना रात के 11:30 बज रहे हैं और रास्ते में ना होटल थी तो सिंकू बोल रहे थे कि दीदी कुछ आप ही लेते हैं, हमने बोला पूरा खाना पैक था वंदना ने सब कुछ पैक कर दिया था, बट वो नहीं मान रहे हैं, बोली दीदी आइए, रानी कह रहे दीदी कुल्हड़ वाली चाय है पी लीजिए,
आपका भी सर दर्द करता होगा, आप बहुत रोई हैं, तो हमने कहा लो कुल्हड़ वाली चाय पी लेते हैं और अब चल रहे हैं घर, यहाँ से निकल रहे हैं। रानी लोग थोड़ी बहुत अपना रात में डिनर भी कर ली थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितने भी पूजा पाठ के ब्लॉग हैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आ गए हम घर यानी लखनऊ, तो रानी ही सामान निकाल रहे, हमारी तबीयत इस समय बिल्कुल ठीक नहीं थी, और कृष्णा जग रहे हैं। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।